हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एग्जम्पशन लाना है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे की बातें ना करके सीधा टू द पॉइंट आना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा एज अ स्टेप वन कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। कुछ बच्चों को थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि कुछ बच्चों को थियोरी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है एंड दे एन्जॉय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। उनको सम सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप एग्जम्पशन पाना चाहते हो दैट मीन्स यू नीड मोर एंड मोर रिविजन। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो पढ़ने कुछ घंटों तक पढ़ने के बाद आपको बोरिंग ना लगे, यू एन्जॉय द सब्जेक्ट। तो ऐसा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है जो आपको खुद को पसंद हो। तो इस हिसाब से आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। फिर सेकंड स्टेप रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से थरली सेल्फ स्टडी कर लीजिए। प्रिफरेबल है कि अगर आप किसी ट्यूटर से सीख ले, मतलब कि वहाँ पर अगर कुछ अच्छे कोचिंग चल रहे हैं तो वहाँ पे जाए, या तो फिर वर्चुअल बैचेस भी आप ले सकते हैं, पेनड्राइव लेक्चर्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे जो भी सब्जेक्ट का आपको माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि सब्जेक्ट में है क्या, कितने चैप्टर्स हैं, और साथ ही साथ आपको वेटेज भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। मैं कहूँगी मिनिमम टू रिवीजन इज़ मस्ट। दो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम टू रिवीजन तो आपका होना ही चाहिए पूरे सब्जेक्ट का। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी कि अगर आप उस सब्जेक्ट में एग्जम्पशन पाना चाहते हैं तो किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को स्किप मत कीजिए। ऑप्शन में कुछ भी मत रखिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि IDT में FTP सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे IDT में एग्जम्पशन लाना है, एग्जम्पशन लाना है, लेकिन वो लोग FTP को पढ़ते भी नहीं है। रीडिंग और रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, देखते भी नहीं है। फिर ऐसे ही हो गया शायद से लॉ में भी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू या फिर अलाइड लॉ के जो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको स्किप कर देते हैं। ये हालांकि वो 4 या 5 मार्क्स का ही पूछे जाने वाला है, लेकिन अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो वो 4 या 5 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑफकोर्स एग्जम्पशन के लिए 59 और 60, ये सिर्फ 1 मार्क का गैप भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो ध्यान में रखिए किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप FR में एग्जम्पशन चाहते हो तो आपने अमलगमेशन किया या CFS किया, ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको दोनों ही चैप्टर्स करने पड़ेंगे अगर आपको FR में एग्जम्पशन चाहिए तो। तो उस हिसाब से पूरा एक रीडिंग और रिवीजन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि आपको मिनिमम 5 मॉक टेस्ट पेपर या फिर टेस्ट पेपर्स लिखने हैं, राइट? ये टेस्ट पेपर से आपको प्रैक्टिस मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है, आपको कितना ऑन द स्पॉट याद आता है, आप कितना उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। फिर मैं कहूँगी कि आपने 5 टेस्ट पेपर लिख दिए, उसके बाद आपको डेली रिवीजन रखना है। ऐसा नहीं कि आपका 2 बार रिवीजन हो गया और आपने मॉक टेस्ट पेपर भी लिख दिया या फिर RTP भी देख ली तो आप अब उस चैप्टर को या फिर उस सब्जेक्ट को साइड पे रख के बाकी के सब्जेक्ट्स करोगे। नहीं, आपको डेली उस सब्जेक्ट का रिवीजन रखना है। अगर ये हो सके तो प्लीज़ डेली उसका रिवीजन रखिए। मिनिमम 3 to 4 आवर्स उसको डेली रीडिंग में आप लीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको मिनिमम लास्ट 3 RTP देखनी है, मतलब कि इस बार की और लास्ट 2 RTP। ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इस टाइम की RTP से में से नहीं लेकिन लास्ट RTP में से मिनिमम 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आपको एक रिवीजन भी देगा, आपके माइंड में क्वेश्चन एंड आंसर उसी फॉर्मेट में सेट हो जाएगा, और अगर वो ही एग्ज़ाम में पूछा गया तो यू विल फील लकी, राइट? तो ये आपको मिनिमम 3 RTP कर सॉल्व करनी है। फिर मैं कहूँगी कि जो उस टाइम के मॉक टेस्ट पेपर आते हैं इंस्टीट्यूट के, आपके क्लास के टेस्ट सीरीज तो लिखने ही है, लेकिन जो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं ICAI के, वो भी मिनिमम 2 अटेम्प्ट कीजिए। चाहे तो आप डाउनलोड करके घर पे खुद से लिखिए और खुद से इवेल्यूएट कीजिए, और उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझिए, की वर्ड्स जो भी है उसको हाईलाइट कीजिए और ऐसे उसको याद रखिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जम्पशन के लिए ट्राई करते हैं लेकिन उनका एग्जम्पशन हो नहीं पाता, मतलब वो स्कोर नहीं कर पाते 60 अप। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि अपना सप्लीमेंट्री ज़रूर से मंगवाए, कॉल फॉर योर सप्ली, और उसको इवेल्यूएट करें, उसको कंपेयर करें इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के साथ।
और फिर देखें कि कहाँ पर आपको मार्किंग नहीं मिली है और वो क्यों नहीं मिली है, राइट। तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लास्ट टाइम आपने ट्राई किया था एग्जम्पशन का और नहीं आया, तो आपको ये एक चीज़ करने की ज़रूरत है, कॉल फॉर योर आंसर शीट और उसको कंपेयर कीजिए सजेस्टेड आंसर के साथ। उसके बाद मैं कहूँगी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल होते हैं। आप बहुत ज़्यादा बुक्स में से पढ़ते हो, मतलब आपको इंस्टीट्यूट की PM चाहिए, ICI की मॉड्यूल चाहिए, फिर आप किसी 2-3 ऑथर्स को भी रेफ़र कर रहे हो। इट इज़ नॉट प्रिफरेबल। आपको किसी एक ही ऑथर को, रेफरेंस बुक या इंस्टीट्यूट की बुक को पकड़े रखे। हाँ, आप चाहे किसी और का कोई कंटेंट अच्छा है, आपको ज़्यादा बेहतर लगता है उस टॉपिक के लिए, तो उसको स्टिक कर दीजिए अपनी मेन वाली बुक में। लेकिन आपको एक ही बुक से पढ़ना है, और आप जब भी पढ़ते हो तब मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स, मेन लाइन्स को हाईलाइट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब वो रीड करो तब वो सब आपको तुरंत दिखे और वो वापस से सब पढ़ने में आपका टाइम ना जाए। फिर बहुत बार PM अगर आप प्रेफर करते हो, तो PM में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया, उसके बाद वाले जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ पर R लिख दीजिए, या तो फिर अपने हिसाब से कुछ भी मार्क बना दीजिए, ताकि एटलीस्ट एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर आप वो रिपीटेड क्वेश्चंस वापस से ना पढ़ो, एंड यू कैन सेव योर टाइम। उसके बाद आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो लेमन लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी होगी। अगर आप लॉ का पेपर एग्जम्पशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको वही लीगल लैंग्वेज लिखनी होगी। ऑडिट का पेपर है तो ऑडिटिंग लैंग्वेजेस होनी ही चाहिए। हालांकि FRSFM मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थियरी में एग्जम्पशन पाना चाहते हो तो वही लैंग्वेज, वही मेन वर्ड्स को माइंड में सेट कीजिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसी से ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम 3 RTP कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, पेपर की पैटर्न को आप समझिए। आप सिर्फ पढ़ते जाए, रिविज़न करते जाए, आप जब तक पेपर्स नहीं लिखोगे, पेपर के पैटर्न को नहीं समझोगे, तो वो चीज़ आपको दिक्कत करती रहेगी। तो आपको पेपर की पैटर्न के हिसाब से और वेटेज ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके, लेकिन आप मोबाइल को, यूट्यूब को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जिस भी चैप्टर का या जिस भी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यूट्यूब पे सर्च के तो वहाँ से आप उसको इन डेप्थ, उस वर्ड को, उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। या तो फिर अगर आपका एक बार रिवीजन हो गया और अब यू फील बोरिंग के वापस से कितनी बार पढ़ूँ, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे ट्यूटर का वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए और उनका वीडियो एज अ रिवीजन आप सुनते रहे। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये आपको बोर नहीं होने देगा, एंड यू विल एन्जॉय योर स्टडी, राइट। तो ये कीजिए, और बार बार मैं दोहरा रही हूँ, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो अब तक आपका एग्जम्पशन आपने ट्राई किया लेकिन नहीं आया है, या तो फिर आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए अगर आप एग्जम्पशन लाना चाहते हैं, तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बोलूँगी कि अगर थियरी सब्जेक्ट है तो आप ICI की मॉड्यूल्स रिफ़र कर सकते हो। अब की बार जो नई मॉड्यूल्स आई है वो बहुत अच्छे से पूरी कैटेगराइज़ की गई है, बहुत अच्छे से उसके कंटेंट्स बताए गए हैं। IDT की मॉड्यूल भी बहुत अच्छी है, और आइदर इन केस आप जिसके ट्यूशंस ले रहे हो उनका मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो एक बार PM या SM सिर्फ रीड कर लीजिए, और इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो आप हाईलाइट कर लीजिए, राइट। या तो फिर वहाँ उस पेज का या उस टॉपिक का आप जेरोक्स निकाल के अपनी वाली बुक में रख दीजिए, ताकि आपको वो पढ़ने में आ जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको नई बुक ढूंढने की या फिर वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर ढूंढने की आपको ज़रूरत ना रहे। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं वापस दोहरा रही हूँ, सबसे पहला तो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, दूसरा आपको मिनिमम 1 मेन रीडिंग और 2 रिवीजन करने हैं, मिनिमम 5 पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिए, और आपको लास्ट RTP मॉक टेस्ट पेपर देखने हैं,
और आपके अगर पुरानी आंसर शीट है जहाँ पर आपका एग्जम्पशन नहीं स्कोर हो पाया, उसको इवैल्यूएट कीजिए और उसको सुधारने की प्रैक्टिस कीजिए। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से रीड कर लिया है और आपका रिवीजन भी हो चुका है, तो रिवीजन के साथ साथ आप समरी नोट्स बनाने की आदत रखिए। समरी नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको एकदम क्विक रिवीजन देंगे वो। जैसे कि आप लंच करके आए और लंच के बाद तुरंत पढ़ने का मन शायद से नहीं करता, यू फील बोरिंग और आपको शायद से थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो उस टाइम पे आप अपनी वो समरी नोट्स को रिफ़र कर सकते हो, ताकि आपने जो पढ़ा है अब तक उसका आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए। तो समरी नोट्स बनाने की आदत रखिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जम्पशन स्कोर करने में, क्योंकि समरी नोट्स में आपके मेन मेन वर्ड्स होंगे, आपके सब जो टैग वर्ड्स है, टैगलाइंस है, जो मेन वर्ड्स है, मेन लाइनिंग है, मेन हेडिंग है, वो आपके समरी नोट्स में रहेंगे। ज़्यादा आगे पीछे का जो भी सेंटेंस है वो आपको खुद से सेट करना है, लेकिन मेन वर्ड्स को वो समरी नोट्स में लिखिए और उसी को बार 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 पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और वही सेम वर्ड्स आप एग्ज़ाम में एज एन आंसर ज़रूर से लिख पाओगे। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आई होप कि इस बार आप एग्जामिशन के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो इतने टॉपिक्स को माइंड में रख के आप एग्जामिशन स्कोर कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।